माननीय सदस्यगण, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है, देखो आप भी बैठे 130 हुए 130। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं निष्पक्ष से। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने बहुमत हासिल जो है वो कर लिया, यानी कि विश्वास मत हासिल जो है वो कर लिया है। देखिए, सबसे पहले जो डिप्टी स्पीकर मौजूदा जो है महेश्वर हजारी, उन्होंने कहा विधानसभा सचिव को कि 3 मिनट के लिए घंटी बजाइए और फिर सभा का गेट जो है, विधानसभा का जो गेट है जहां पर, वो बंद कर दीजिए। उसके बाद सभी जो सदस्य जो बिहार विधानसभा में मौजूद थे वो खड़े हो गए और उसके बाद जो है वो वोटिंग करवाई गई। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विपक्षी पार्टियों की तरफ से बायकॉट किया गया। बायकॉट यानी कि जिस वक्त वोटिंग हो रही थी उस वक्त विपक्ष का कोई भी नुमाइंदा जो है वो बिहार विधानसभा में मौजूद नहीं था, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टी का, चाहे एआईएमआईएम की तरफ से भी कोई, जो अख्तरुल इमान जो है वो सदन में नहीं था। तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से बायकॉट का कॉल था और सारे सदस्य जो हैं वो विपक्षी पार्टियों के, वो बिहार विधानसभा से बाहर निकल जो है वो गए थे। जब वोटिंग हो रही थी तो सरकार के पक्ष में कुल 129 मत जो हैं वो पड़े हैं और जिसका ऐलान जो है वो स्पीकर महोदय ने खुद किया। उन्होंने कहा कि कि 129 वोट पक्ष में और ना में 0 वोट। देखिए पूरी प्रक्रिया किस तरीके से बिहार विधानसभा में जो है चल रही है। सभा सचिव, घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाए, 3 मिनट तक घंटी बजेगी। सभा सचिव, घंटी बंद करें और द्वार बंद किए जाए। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार पुनः रखता हूं, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करती है, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया खड़ा हो जाए। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, हां के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। माननीय सदस्यगण, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है, देखो आप भी बैठे 130 हुए 130। माननीय सदस्य, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, अध्यासी सदस्यों का मनोनयन, उपाध्यक्ष। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन